स्टडी हैव शोन दैट देर इज़ नो स्टैंड वन कैन डैस टू पेरेंट्स सम गाइडलाइंस हाउ एवर मे डैश द फर्स्ट वन इज दैट चिल्ड्रेन आर ऑल चिल्ड्रेन आर ऑल डिफरेंट एंड देर इज नो वन वे डैश ब्रिंगिंग देम अप इस चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज डैश इंडिविजुअल द सेकेंड इज दैट हेरिडिटी इज इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर इंटेलिजेंस एंड डैश तो कुल मिला के यहाँ पे एक आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों पर रिलेटेड एक गाइडलाइन uh, है या फिर एक व्यवहार के सेंस में उनके जो uh, जो नेचर है उनके सेंस उन उसके सेंस में यहाँ पे बात किया जा रहा है ठीक है और पेरेंट्स को इसमें कुछ एडवाइस के बारे में बात किया जा रहा है तो देखिए सबसे पहले स्टडीज़ हैव सोन अध्ययन जो है बताता है कि एक अध्ययन में बताया जाता है कि देर इज़ नो स्टैंडर्ड एडवाइस कोई यासा स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं जिससे कि कोई पेरेंट्स को दिया जा सके वन कैन डैश टू पेरेंट्स अब देखिए फर्स्ट वाले में आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे ब्लैंक नंबर वन में चार ऑप्शन है वन कैन डैश टू पेरेंट्स गिविंग पेरेंट्स नो गिवन पेरेंट्स नो गिव पेरेंट्स नो गिव गिव टू पेरेंट्स अब ऐसा क्यों देखिए ध्यान रखिएगा मॉडल ऑक्जिलरी ठीक है मॉडल ऑक्जिलरी की अगर हम बात करते हैं ठीक है मॉडल ऑक्जिलरी की बात करते हैं तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ठीक है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं ध्यान रखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो इन द सेंस आप इसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के रूप में आप गिव को यूज़ करेंगे ठीक है क्योंकि गिविंग होगा नहीं गिविन होगा नहीं पास फॉर्मेशन में चला जाता है गिव पास फॉर्मेशन में चला जाता है तो वी टू भी और बिफोर फॉर्मेशन में हमें तो भी वन फॉर्मेशन चाहिए ठीक है भी वन फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर ऑप्शन है ये आपका बिफोर है होगा नहीं ये भी थ्री है होगा नहीं भी टू होगा नहीं है ना तो भी वन फॉर्मेशन हमें चाहिए क्यों क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे देख ले कैन कैन कुछ इस तरह का रहे वुड रहे तो उसके साथ हम क्या कहते हैं मेन वर्ब जो होगा वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में होगा इन द सेंस यहाँ पे आप गिव का यूज करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट की सम uh, गाइडलाइंस कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं मे डैश मे डैश वॉट वॉज प्रोवाइडेड तो एक क्या है uh, यहाँ पे पैसिव फॉर्मेशन की बात की गई पैसिव यहाँ से सेंटेंस है पैसिव फॉर्मेशन में यहाँ पे सेंटेंस बनेगा क्योंकि मे के साथ वॉज प्रोवाइडेड नहीं होगा मे वॉज प्रोवाइडेड मे इज नहीं मे बींग नहीं मे बी प्रोवाइडेड ठीक है मे बी प्रोवाइडेड अब यहाँ पे देखिए फिर से एक मॉडल वर्ब का यहाँ पे यूज किया गया मॉडल प्लस बी प्लस भी, भी तेरी फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगा ठीक है सम गाइडलाइंस हाउ एवर मे मे हो गया यहाँ पे मॉडल वर्ब मे बी प्रोवाइडेड ठीक है तो यहाँ पे सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो पैसिव फॉर्मेशन का जरूर ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो वर्ब है ना मे से शुरू है और मे के लिए मे के साथ वॉज इज विंग जैसा कुछ होता नहीं है ठीक है चलिए यहाँ तो, तो बात हो गया कि सम स्टडीज है इज नो स्टैंडर्ड एडवाइस वन कैन गिव टू पेजेंट सम हव मे बी प्रोवाइडेड द फर्स्ट वन इज़ दैट जो पहला है इसका जो गाइडेंस मैं पहले गाइडलेंस की बात कही कि द फर्स्ट वन इज़ दैट चिल्ड्रेन आर ऑल डिफरेंट सभी बच्चे अलग अलग होते हैं एंड देर इज़ नो वन वे डैस ब्रिंगिंग दे अपे एक साथ लाना क्योंकि सभी डिफरेंट होते हैं उनको एक साथ लाना ये इतना पॉसिबल है नहीं है ना तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देर इज़ नो वन वे डैस ब्रिंगिंग देम अप तो कहने का मतलब यहाँ पे वे के साथ क्या होगा देखिए यहाँ पे वे के साथ दो फॉर्मेशन बनते हैं एक तो वे प्लस वे प्लस टू प्लस वी वन का फॉर्मेशन होगा पहला याद रखिएगा सेकेंड वे प्लस ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अब यहाँ पे देखिए कि क्या होगा यहाँ पे वे के बाद देख सकते हैं ब्रिंगिंग है जो कि फोर्थ फॉर्म है और वे है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ऑफ ठीक है अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर ब्रिंगिंग जहाँ पे वी वन होता तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है वे के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आ, है वे टु, वे टु, वे टु, वी वन का यूज़ कर सकते थे है ना वे टू वे टू वी वन का यूज़ कर सकते थे लेकिन वी वन होता तो वे टू जो भी होता वी वन होता है लेकिन यहाँ पे तो है नहीं ना यहाँ पे तो वी वन है नहीं यहाँ पे वी फोर है तो बिफोर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे ऑफ का यूज़ करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि योर ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज प्रत्येक बच्चे को ट्रीट करना चाहिए सभी बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए एज डैश इंडिविजुअल अब यहाँ पे क्या होगा इंडिविजुअल में आई से शुरू है और इंडिविजुअल बोलने से पता चलता है ई से शुरू हो रहा है ई क्या एक वोवल साउंड है है ना वॉवल साउंड है तो वॉबल साउंड के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं करते हैं एन का यूज़ करते हैं तो ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल करेक्ट आंसर हो जाएगा एन ठीक है ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल द सेकेंड इज दैट हेरिडेटी इज इम्पॉर्टेंट ठीक सेकेंड द सेकंड इज हेरीडेटेड हेरीडेटी इज इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर आइए दोनों क्या करता है ये दोनों क्या करते हैं इंटेलिजेंस एंड डैश इंटेलिजेंस एंड डैस क्या इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी क्यों क्योंकि एंड एक यहाँ पे क्या है कंजंक्शन है कंजंक्शन से अगर पहले की बात किया जाए तो यहाँ पे नाउन है तो कंजंक्शन के बाद भी नाउन होगा है ना कंजंक्शन के बाद भी नाउन होगा और यहाँ पे एब्सटेक्स नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए यहाँ भी एबस्ट्रैक्ट नाउन ही होगा ठीक है है ना क्योंकि ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना ये तो एडजेक्टिव है हो जाएगा ठीक है पर्सनल पर्सनल uh, हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा ये होगा नहीं और ये तो आपका वर्ब हो जाएगा ये होगा नहीं तो कुल मिलाकर आपका जो करेक्ट आंसर होगा पर्सनालिटी पहले क्लोज टेस्ट या फिर पैसेज को बनाने से पहले एक बार पूरी अच्छे से इसको रीड करेंगे बहुत तेज़ी से ठीक है जैसे यहाँ पे द देयर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर देखिए वॉज से पता चल रहा है कि इस पूरे uh, पूरा ये क्या है ये पास्ट में है ना पूरा एक पैसेज पास्ट में है आप कहीं भी नज़र डालेंगे ये सभी जगह पास्ट में ठीक है देख सकते हैं हैड लगा हुआ है यहाँ पे है ना इससे बहुत सारा जगह आप वकब देख रहे हैं ठीक है ये सभी क्या है हैड देख रहे हैं सब क्या है पास्ट में वॉज देख रहे हैं स्टार्टअ देख रहे हैं ना तो इस सर से आपको तो पहली चीज़ समझ में आना चाहिए सेंटेंस जो है वो किस फॉर्म में से प्रेजेंट में है पास्ट में फ्यूचर में तो पता चल गया कि पास्ट में ठीक है अब जल्दी जल्दी रीड करेंगे देर वॉज स्क्रीमिंग एंड शॉर्टिंग एवरीवेयर ठीक है Uh, there was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people dashed running all around. Screaming loudly, I dashed. On hearing me, my mother also woke up. She came running and held me tight. It was the same bad dream. It dashed more than six years now uh, since the earthquake. But in my sleep, I still feel the earth shaking and trembling. I am Jama. I live in Kach area of Gujarat. I was 11 years old. When there was an earthquake, it was 26 years, uh, 26 January 2001. Everyone from the village children, and old people had dash on the ground of the school to watch the parade on TV. Dash uh, on TV, dash the ground was shaking. People were uh, scared and uh, starting, uh, started running, gen, uh, started uh, running, thik, uh, uske chalo, thik, started running here and there. Hello. कुछ यहाँ पे सेंटेंस का इस भाग यहाँ पे लिख दिया हूँ ठीक है चलिए तो कहें मतलब क्या हो रहा था कि बहुत स्क्रीमिंग हो रहा था शॉटिंग हो रहा था सभी जगह ग्राउंड जो है सेकिंग हो रहा था पीपुल इधर उधर भाग रहे थे चिल्लाते मैंने क्या किया ऑन हियरिंग ये सुनकर मेरी माँ भी उठ गई कि केम रनिंग वो मेरे पास आती है और मुझे कस के पकड़ लेती इट वाज सेम बैड ड्रीम और ये बिल्कुल बेकार का सपना था है ना इट डैज मोर देन सिक्स इयर्स नाउ सिंस अर्थ क्विक अभी uh, या, आज से छः साल पहले जो अर्थक्वेक हुआ था उसको आज भी क्या किया जा सकता है बट इन माई स्लिप लेकिन मेरे स्लिप में मेरे नींद में आई स्टिल फील अर्थक्वेक सेकिंग और अभी भी लग रहा है कि अर्थक्वेक अभी भी लग रहा है कि अर्थक्वेक हो रहा है एंड ट्रेमलिंग और ये कपाने वाला था ना आई एम जामा मेरा जाशमा आई एम जाशमा मेरा नाम जश्मा है आलिविन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात मैं गुजरात के कच्छ में रहता हूँ रह, रहता हूँ आई वॉज इलेवन ईयर्स ओल्ड मैं ग्यारह साल का हूँ वैन देयर एंड वैन देयर वॉज एन अर्थक्वेक जब अर्थ को क्या था इट वर्स ट्वेंटी सिक्स जनवरी दो हज़ार एक टू थाउजेंड वन छब्बीस जनवरी दो हज़ार एक का वो दिन था एवरी वन फ्रॉम विलेज सभी लोग गाँव से चिल्ड्रेन एंड पीपल हैड ऑन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल स्कूल के ग्राउंड में गए हुए थे परेड देखने के लिए टी वी पर डैस ग्राउंड वॉज सेकिंग ग्राउंड सेक होने लगा पीपल वर अ एंड अस्टार्ट रनिंग एंड और क्या हुआ कि यहाँ पे कि लोग चीखने चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे तो कुल मिलाकर एक एक पूरे पैसेज में ये पता चलता है कि एक घटना कहीं ना कहीं सारे के सारे क्या है अर्थ क्वेक आया था उस पर आधारित है ना ये अर्थ क्वेक पर आया हुआ एक घटना है जिस पर आधारित है तो चलिए यहाँ पे फिलर्स देखेंगे देर वॉज स्क्रीमिंग एंड शॉर्टिंग एवरीवेयर चारों तरफ कोलाहल सुर कुल चीख पुकार हो रही थी द ग्राउंड वॉज सेकिंग क्यों क्योंकि क्यों, ग्राउंड क्या हो रहा था हिल रहा था धरती हिल रही थी पीपुल डैश रनिंग ऑल अराउंड है ना लोग क्या कर रहे थे इधर उधर भाग रहे थे तो देखिए अब यहाँ पे इस तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में बात हो नहीं रहा है अब यहाँ पे जब भी होगा तो देख रहे हैं वॉज से पता चला कि ये पास्ट में है चीज़ें अगर पास्ट में है तो हम क्या करेंगे फिल को भी तो पास्ट में करेंगे फिलर को भी पास्ट में रखेंगे है ना द ग्राउंड वॉज सेकिंग एंड पीपुल पीपुल के साथ क्या लगता है पीपुल के साथ हम क्या लगाते हैं प्लोरल लगाते हैं ना तो प्लोरल के सेंस में क्या होगा आपका वर होगा मीन्स की सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा कि देयर वॉज

फिकेम रनिंग एंड हेलमीटाइड और वो दौड़ के मेरे पास आती है और मुझे पकड़ लेती कसकर है ना इट वॉज द वॉट इट वॉज द इट वॉज इट वॉज द सेम बैड ड्रीम और ये वही बेकार या ये वही बुरा सपना था है ना? जो कभी घटा था इट डैस मोर देन सिक्स ईयर्स नाउ सिंस द अर्थ क्विक अब देखिए यहाँ पे अब आपको मैंने बताया कि सभी तो सेंटेंस पास्ट में है तो के पास्ट के लिए तो हम क्या करते हैं हैव हैविन पास्ट के लिए तो हम क्या करते हैं हैव बिन तो लगाते नहीं है विल भी तो होगा नहीं है ना हैड बिन या हैड हैडविन होना चाहिए लेकिन नहीं हैड हैडविन भी नहीं होगा होगा हैज़ बिन क्यों क्योंकि यहाँ पे संडेस में देख रहे हैं यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है नाउ से क्या पता चलता है कि जो पस जो हैज़बिन ये बताता है ठीक है हैज हैज़बिन ये बताता है कि जो घटना पहले घटी थी वो उसका इफेक्ट वर्तमान में या प्रेजेंट में महसूस किया जा सकता है इसका मतलब कि जो घटना जो घटना जो हुआ था जो एक्शन है एक्शन जो पास्ट में हुआ था कैन बी फेल्ट है ना कैन बी फेल्ट इन प्रजेंट तो ऐसेस इन द सेंस आप यहाँ पे क्या करेंगे हैज़बिन का यूज करेंगे ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज़बिन है ना इट हैज बीन मोर देन सिक्स ईयर्स नाउ सिंस द अर्थक्वेक आज से छः साल पहले ये घटना अर्थक्वेक की हुई थी ठीक है तो उसका जो उसका इफेक्ट है क्योंकि वो ड्रीम में बच्चा अभी भी उस चीज़ को महसूस कर रहा है तो ये बात यहाँ पे आप पास्ट में नहीं एक प्रेजेंट में उस घटने को बता रहे हैं ना तो यहाँ पे सिर्फ बीन का यूज होगा ठीक है चलिए फिर होता क्या आगे बढ़ेंगे यहाँ तक तो हो गया आई वॉज इलेवन ईयर्स ओल्ड वेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक यहाँ तो हो हो गया था ना ई टू वॉच ट्वेंटी फिक्स जनवरी टू थाउजेंड वन या छब्बीस जनवरी दो हज़ार एक का दिन था एवरी वन फ्रॉम विलेज एवरी वन सभी लोग गाँव से बच्चे हों बुरे होंड डैश ऑन द ग्राउंड हैड डैश एंड ग्राउंड जम्प तो होगा नहीं रनिंग होगा नहीं आइसोलेटेड नहीं अलग अलग नहीं हो रहे थे बल्कि हुआ क्या कि एवरी वन फ्रॉम द विलेज चिल्ड्रेन एंड पीपल हैड डैश ऑन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच ट्रेड ऑन टीवी टीवी पे देखने के लिए क्या करते हैं वहां पे कोई जंप करके जाते नहीं रनिंग करके जाते नहीं असल बल्कि गैदर हुए हैं इकट्ठा हुए हैं ना इकट्ठा हुए वहां पे इकट्ठा सभी लोग हुए क्यों वहाँ पे जो भी यहाँ पे जो फंक्शन चल रहा था जो परेड का फंक्शन टीवी पे दिखाया जाता है उसको देखने के लिए सभी बच्चे बूढ़े स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं ठीक है तो यहाँ पे गैदर इसका करेक्ट आंसर होगा फिर आगे कह रहा है क्या डैस द ग्राउंड वॉज सेकिंग अब ग्राउंड अब सभी बच्चे आ गए हैं बूढ़े आ गए हैं ग्राउंड पे वहाँ पे बैठे हैं और टीवी पे परेड देख रहे हैं तभी क्या होता है द ग्राउंड वॉज सिकिंग तो कंटिन्यूसली तो होगा नहीं फास्टली तो होगा नहीं स्लोली सडेनली अचानक द ग्राउंड वॉज सिकिंग अचानक क्या होता है ग्राउंड जो धरती कांपने लगती है पीपुल वर स्केयर्ड लोग डर जाते हैं और स्टार्टेड रनिंग आउट भागने लगते हैं हियर एंड दियर है ना तो देखिए इस जिससे आप क्लोज